अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम निकल रहे हैं अलीगढ़ से सीधा लखनऊ के लिए। जो कि आज ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि हम नॉन स्टॉप चलने वाले हैं अलीगढ़ से सीधे लखनऊ के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अलीगढ़ यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे तो आगरा मथुरा वगैरह पड़ेगा। सो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको आगरा के ब्लॉग देखना है, आगरा में क्या क्या फेमस है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप जाके देख लेना वो रेफरेंस वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक ब्लॉग बना चुका हूँ पूरे आगरा के ऊपर। तो आप जाएँ, और भाई यहाँ चल रही है AMU की ट्रेनिंग, पायलट ट्रेनिंग, यहाँ पे आप प्लेन जा रहा है। सो अब हम करते हैं थोड़ा सा अंदर चल के शूट, क्योंकि यहाँ आपको बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा आएगी। तो हम सीधे चलेंगे आगे की तरफ और अंदर करेंगे शूट। सो गाइज, जो आज चैलेंज होने वाला है वो बिल्कुल डिफरेंट चैलेंज है, क्योंकि यहाँ से लगते हैं भाई 5 घंटे पहुँचने में, ठीक है, लखनऊ। सो हम सोचते हैं आज देखेंगे भाई कितना हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम बीच में उतरेंगे, ना हम कुछ मतलब जो भी है हमारी गाड़ी में जो भी हमारा मटेरियल रखा हुआ है वो खाएंगे, पानी पियेंगे, बीच में आज गाड़ी नहीं रोकेंगे कहीं भी, और सीधे हम आपको मिलेंगे लखनऊ। तो बीच बीच में आपको पूरी क्लिप्स दिखाता रहूँगा क्या क्या हम कर रहे हैं, छोटी मोटी क्लिप्स, ठीक है। बट द चैलेंज इज दैट हम बीच में कहीं नहीं रुकने वाले। सो अभी टाइम हो रहा है 4:20 और अब हम सीधे निकले हैं लखनऊ। तो भाई लोग ये देखो कितना बढ़िया रास्ता है यार, आप अलीगढ़ से अगर लखनऊ जाते हो ना, तो अभी तक तो मुझे अच्छा रास्ता ही दिखा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतना क्लासी है ना, एक झटका नहीं लग रहा भाई। और अभी तो ये फोर लेन रोड है, पीछे 6 लेन भी था, तो भाई अलग ही मज़े हैं भाई रास्ते के भी, और ऊपर से मौसम इतना अच्छा हो रहा है माशाल्लाह, ये भाई धूप तो बहुत हल्की है। इस तरीके से हम चलते रहेंगे और आपको दिखाएंगे। और अभी हमको निकले हुए 20 मिनट हो गए, हमने गाड़ी नहीं रोकी है कहीं भी, ना ही हम आज इंशाल्लाह लखनऊ से पहले रोकने वाले हैं। आज सीधे मिलेंगे आपको लखनऊ में भाई, आज सीधे लखनऊ मिलना है, आज गाड़ी रोकनी ही नहीं है। सो यहाँ से अभी कानपुर आपको 282 50 के बाद 1 किलोमीटर बचा है, सीधे चलते हैं हम आगे की तरफ मजे लेते हुए। हमें हो चुका है 1.5 घंटा निकले हुए, 6:10 बाकी, और हम चला चुके हैं 110 किलोमीटर गाड़ी, ठीक है, नॉन स्टॉप, और अभी भी टाइम दिखा रहा है इसमें 3.5 घंटे। और जब हम चले थे ना तो भाई ये एस्टिमेटेड टाइम था 9:45, तो इसे रिड्यूस करके हम कितने पे ले आए, 9:23 पे, अप्रॉक्सीमेटली 15:25 हमने रिड्यूस किया है अपने पूरे जर्नी में अभी तक। मतलब अभी मैंने 1.5 घंटा चलाई है गाड़ी, और भाई यहाँ पे आपको अखंड चूतिया इंसान मिलेंगे चलाने वाले, बीच में चलाएंगे यहाँ बिल्कुल सेंटर में बाइक, जो सामने दिख रहा होगा आपको, अभी दिखाता हूँ लाइव टेलीकास्ट, थोड़ा खींचता हूँ गाड़ी और दिखाता हूँ आपको भाई, जैसे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, बहुत दूर है, देखता हूँ भाई मैं गाड़ी खींचने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, दिख जाए लाइव आपको ये चीज़। ये देखो अब काटिए इस बंदे ने, ये देखो सामने से ऐसे लाके काटेंगे कोई मतलब नहीं इन्हें, भाई बीच में चलाते हैं उनको, देखो देखो लेके आ गया, लेके आ गया बीच में, लेके आ गया। और भाई बेपनाह आपको यहाँ पे ना गाय मिलने वाली है, ये देखो भैंसे और गाय तो अनलिमिटेड है भाई, मैं यही बोलूँगा आप जब भी यहाँ पे गाड़ी चलाओ ना, इस रोड पे आओ, तो भाई बहुत केयरफुली आना, क्योंकि भाई बहुत, और गाय भैंस अगर मेरे डैश कैम में तो वैसे है, वीडियो निकलती है ना तो मैं आपको देता हूँ, दिखाता हूँ भाई कितने कितने पास से लोग निकलते हैं, बीच में चलाते हैं, गाय आती है, बहुत ही खतरनाक रोड है ये, तो आप बी केयरफुल, ठीक है, जब आप गाड़ी चलाओ। तो अब हमें चुका है भाई 1.5 घंटा अप्रॉक्सीमेट, और अभी 3.5 घंटे बाकी है, तो अब देखते हैं हम कितनी देर में पहुँचते हैं। वैसे हमने जो एस्टिमेटेड टाइम लगाया है वो 3 घंटे लगाया है, देखो गाइस गाय आपको ऊपर तक मिलेंगी फ्लाई ओवर पर ऐसे टहलती हुई, 2 बार मैं ऑलरेडी बच चुका हूँ इस चीज़ से, 2 गाय तो एक साथ खड़ी थी भाई पूरे सेंटर में, तो गाय आपको यहाँ अनलिमिटेड देखने के लिए मिलेंगी। अब हम चलते हैं सीधे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो भाई लोग ये देखो आप गाय यहाँ पे,
और भैंस आपको कितनी मिलने वाली है। जैसे मैं आपको बता रहा था अभी पीछे, तो अभी आपने देखी दो गाय, और आगे चल के आपको मिलने वाली है और भी ज़्यादा भैंसे। ठीक है, मेरी स्पीड देखो कितनी नॉर्मल स्पीड में चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही दिख गया। देखो कितनी भैंसे हैं भाई, बीच में चलाते हैं भाई, क्रॉसिंग कराते हैं, इनको मतलब नहीं है कुछ भी, चाहे गाड़ी लगे ना लगे, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। तो ये कुछ चीज चीजों में दिखाना चाह रहा था आपको। सो भाई एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं अभी चलाऊँ 140 किलोमीटर, ठीक है, और इस बीच में मुझे पड़ चुके हैं 3 टोल। 3 टोल का मतलब कोई सेंस बनता नहीं है। और ये पहला टोल था 85, दूसरा टोल 85 और तीसरा टोल पड़ा 95 रुपीज। ठीक है, तो NHAI का जो रूल है, जो हाईवे अथॉरिटी है, उसमें जो रूल आता है, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर, ये है कि 60 किलोमीटर की रेडियस के बाद दूसरा टोल होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये 3 टोल कैसे आ गए भाई? तो भाई स्कैम तो पूरा चल रहा है, और ये फिर मानते भी नहीं है किसी भी, मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर एक रूल है कि आप अगर लाइन में लगे हुए हो तो आप टोल पे नहीं करोगे अगर आपको 15 सेकंड से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये उस चीज़ पे भी छोड़ते, बहस करते हैं पूरी वाली, तो उस बहस की वीडियो मैं डालूंगा नहीं भाई, क्योंकि अभी अगर आगे चले, क्योंकि उस टाइम पे मैं कैमरा निकाला हुआ नहीं था, बट अगर आगे कहीं पे बहस होगी ना तो वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। बट द थिंग इज दैट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई 60 किलोमीटर की रेडियस के अंदर टोल नहीं होना चाहिए, तो ये 3 टोल कैसे आ गए 140 किलोमीटर के रेडियस में? भाई ये तो पूरा स्कैम चल रहा है भाई, पूरा स्कैम चल रहा है इंडिया के अंदर बढ़िया तरीके से। तो टोल का सबसे बड़ा स्कैम है, पहले गाड़ी लो, RTO भरो, रोड टैक्स दो, गाड़ी चलाओ तो टोल टैक्स दो, और पेट्रोल के ऊपर टैक्स दो, इसके ऊपर टैक्स दो, फलाने के ऊपर टैक्स दो, ढिमकाने के ऊपर टैक्स दो, जिंदगी इंडिया में रहकर टैक्स में निकल जाएगी भाई, बहुत बुरी वाली। तो अभी और देखते हैं अभी कितने टोल आगे और पड़ेंगे। तो अभी तो हमारा 140 किलोमीटर हुआ, अभी हमें और चलना है कम से कम 190 किलोमीटर। तो अभी देखते हैं भाई कितने टोल और पड़ते हैं बीच में। तो गाइस ये देख लो भाई, मैं इस चीज़ को दिखा रहा था आपको, इस सड़क पे शूट चल रहे हैं इधर, ठीक है, तो बीच में ऐसे चलते हैं जैसे भाई कोई मतलब ही नहीं है, अब बिना हेलमेट के पीछे वाला, और सामान लाद रखा है इसने बढ़िया करके, ठीक है, मुर्गी के बच्चे भाई देख रहे हो इस तरीके से चलाते हैं, खुद को बचाना भारी है, बहुत ही बुरा हिसाब है भाई बीच में यार, अभी तो और ऐसे निकलते बीच में से, ये देखो ये कट अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझते हैं भाई, हमने क्रॉसिंग मार दी, कोई आके चिपका के चले जाएगा तो बेचारे का सर पड़ेगा उसके सामने वाले के, बहुत ही भाई बहुत गंदा रूट है, टोल बना रखे हैं 3-3 140 किलोमीटर के उसमें रेडियस में, और भाई रूल कोई है नहीं, रोड भी ये वाला है सीमेंटेड जिसमें गाड़ी स्केट हो बढ़िया करके, ये देखो बंदी किस चीज़ के पैसे लेती है यार गवर्नमेंट। चलो अभी देखते हैं भाई आगे कितना लंबा सफ़र हो रहा है और क्या क्या चीज़ें मिलती है देखते हैं। सो आपके सामने मैं इंडिया का असली चेहरा भी लेके आऊँ ना भाई, ये चीज़ें हम किस चीज़ का पैसा दे रहे हैं, ये देखो आते घर नहीं हो सकते उस्ताद की, बीच में होंगे रोड पे, वो भी चलती हुई बाइक पे। भाई यार किस तरीके से चलाते हैं, मैंने ब्रेक इतनी तेज मारे ना गाड़ी भी स्केट हो गई पूरी, और बिना इंडिकेटर दिए बिना कुछ दिए यार रोड पे ऐसे ट्रक काट देते हैं यार कि साइड वाला बचे ही ना, इधर काट तो मैं डिवाइडर में घुस जाता पूरा। 172 किलोमीटर आप चेक करो, ठीक है, और ये चौथा टोल है, चौथा टोल, ठीक है, देख रहे हो स्कीम चल रही है बढ़िया, इससे बढ़िया स्कीम नहीं है भाई कोई भी, टेंडर ले लो, बस आगे पीछे कराते रहेंगे, ना सर्विस अच्छी है ना कुछ। देखते हैं अभी तो भाई 14 टोल आया, अभी देखते हैं आगे और कितने टोल चलेंगे। तो भाई लोग बच चुके हैं 8 और हमें निकले हुए होंगे अलीगढ़ से आ रहा हूँ 3 घंटा 40 मिनट, ठीक है, क्योंकि हम 4:20 पे चले गए और हम कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे हैं, 240 किलोमीटर हमारी गाड़ी कंटिन्यू चल चुकी है और हमने कहीं रेस्ट नहीं लिया है अभी तक, और अभी भी दिखा रहा है भाई मैप में 1 घंटा 11 मिनट, पिछली बार जब मैंने आपको दिखाया था तो ये टाइम था यहाँ पे 9:26 मिनट,
और इसको हम लेके आए हैं 9:13 पे, और जो भी स्टार्टिंग में किया था तो कम से कम आधा घंटा रिड्यूस कर चुके हैं भाई अभी तक, आधे घंटे से ज़्यादा। तो अभी देखते हैं भाई 1 घंटे 11 मिनट में क्या रिड्यूस होता है या ये बढ़ता है। सो सीधे मिलते हैं आपको लखनऊ। सो गाइस मीट द न्यू टोल, ठीक है, 5वां टोल, ठीक है, 8 किलोमीटर यहाँ पर आप चेक कर लो, 278 में 5वां टोल है, ठीक है। इसके आगे भी होगा या नहीं होगा पता नहीं मेरे को, बट देखते हैं भाई, टोल ही टोल मिल रहे हैं तो आज हम आ चुके हैं फाइनली लखनऊ। आप सामने देख सकते हो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ठीक है, और टाइम देखो बजने वाले हैं 9, जो कि बताता है भाई हम आ गए हैं 4:30 घंटे में, ठीक है, 4:30 घंटे हुए हैं हमें अलीगढ़ से लखनऊ आने में, और 300 किलोमीटर विदाउट एनी स्टे, विदाउट एनी लाइक हॉल्ट, हमने कहीं हॉल्ट नहीं लिया, कहीं नहीं रुके। और मेरी कमर में ना बहुत तेज़ दर्द है इस टाइम, मैं बता नहीं सकता कितनी तेज़ दर्द हो रहा है मेरी कमर में बैठे बैठे, कितने 4.5 घंटे से मैं कंटिन्यू बैठा हूँ यार। बट ये भी एक अलग, यार अगर मैं इस तरीके से नहीं करता तो मैं इस टाइम तक पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे जितना रुक रुक के चलने की आदत है ना वो बहुत ही बुरी आदत है भाई। जहाँ रुकूँगा, जहाँ देखूँगा कुछ खाने का है वहाँ रुक जाता हूँ मैं, तो ये सब चीज़ें हैं भाई। सो अभी हम करेंगे आगे चल के ब्लॉग एंड, देखते हैं पहले कुछ खाने का, क्योंकि हमने जब से हम चले हमने दोपहर 1 बजे से कुछ नहीं खाया है। सबसे पहले हम कुछ खाएंगे लखनऊ की स्पेशल जगह पर, पूछते हैं यहाँ पर कि आसपास क्या स्पेशल मिलेगा और हम क्या खा सकते हैं। सीधे चलते हैं आपको खाने वाली जगह। सो भाई लोग हम आ चुके हैं लखनऊ के अंदर, और हमें जो पता चला है भाई, तो इसका पता चला है ये टुंडे कबाबी, ठीक है, तो यहाँ पे जाके देखते हैं क्या क्या है। और इधर आप देख लो होटल्स वगैरह तो काफ़ी हैं, बट हम चल के देखते हैं खाने में क्या मस्त है, कहाँ हमें जायका आने वाला है आज। तो सीधे चलते हैं टुंडे कबाबी के पास और वहाँ खाते हैं कबाब। सो गाइज ये है टुंडे कबाबी सामने हमारे, और ये ओमेक्स मॉल दिल्ली में भी है, अलीगंज में भी है, दुबग्गा में भी है, लुल्लू मॉल में भी है, और ये दुबई में भी है। तो अब हम चलते हैं, और भाई ये बहुत ही पुराना है 1905, तो हम चलते हैं सीधे अंदर की तरफ। तो भाई लोग आयान बैठ चुका है खाने के लिए, खाने की ऊन उतार देगा आज है। कितनी भूख लग रही, कितने घंटे कंटिन्यू ट्रैवल? 4.5 घंटे बेटे, तू तो सो जाता ना बीच में, तो आधे घंटा सोने का काट के बता रहा है भाई। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ तो यहाँ पे है, और इतनी भीड़ है ऊपर, बहुत मुश्किल से जगह मिलती है भाई यहाँ पे। और एक बार मेन्यू देख लो भाई, ये है, ये मिलता है खाने में यहाँ पे, और प्राइस भी है। तो हम थोड़ा सा ऑर्डर कर लेते हैं, खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो भाई कुछ इस तरीके से होते हैं टुंडे कबाब, हमको बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल भी, ऐन लग चुका है, और हमने करी है बिरयानी ऑर्डर। तो अब थोड़ा बहुत खा के अब हम निकलते हैं सोने के लिए है।